नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जायंट के बीच में इस टाटा आईपीएल का मैच नंबर 39 खेले जाने वाला है। अब इस वाले मुकाबले की हमको ग्रैंडली की टीम किस तरीके से बनानी चाहिए, और अभी आपको पता है कि 19 अप्रैल को इन दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड मुकाबला भी खेला गया था, और वो मुकाबला जो जीता है वो लखनऊ ने जीता है चेन्नई के सामने। और उस टाइम जो सीवीसी बन के आए थे वो केएल राहुल बन के आए थे। तो काफी सारे लोग अब की बार भी क्या करेंगे, केएल राहुल को ही सीवीसी बना के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, केएल राहुल को अब सीवीसी बनाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अब वो क्यों नहीं रहेगा वो मैं आपको वीडियो का आगे बताऊंगा। और अगर हमको सीवीसी बनाना है तो भाई इन खिलाड़ियों में से हमको कौन से खिलाड़ी को सीवीसी बनाना चाहिए, वो भी आज इस वाली वीडियो के अंदर डिटेल से समझने वाला है। और अगर आप भी इस वाले मुकाबले की मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना के अच्छी खासी विनिंग करना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इन सभी खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी ऐसा होगा जो कि अब की बार फ्लॉप जाने वाला है, और कौन सा खिलाड़ी ऐसा होगा जो कि भाई सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। और इस आईपीएल के हमने जितने भी प्रेडिक्शन किए हैं काफी जबरदस्त तरीके से गए हैं। जिस तरीके से मैंने बोला है ये खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उस तरीके से वो अच्छा परफॉर्मेंस करता भी है, और जिसके बारे में मैंने बोला है कि भाई ये खिलाड़ी फ्लॉप जाएगा उस तरीके से वो खिलाड़ी फ्लॉप भी जाता है। चाहो तो आप हमारी वीडियो भी उठा के देख सकते हो। और इस वाले मुकाबले का भी प्रेडिक्शन हम कुछ इसी तरीके से करने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इन सारे खिलाड़ियों में से अब हमारे लिए कौन सा खिलाड़ी सबसे बेस्ट सीवीसी के लिए होने वाला है। और गाइस, इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार कैश गिव अवे, जिसमें आप ₹5 में 5 टीम बना सकते हो और जीत सकते हो 50,000 का कैश गिव अवे। अब ये कैसे क्या जीत सकते हो वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के एंड में ग्रैंड लीग की रिक्सी टीम भी बना के बताने वाला हूं, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। तो ये सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और लाइक का टारगेट ओनली फॉर 3,000 लाइक का है, और मुझे उम्मीद आप सभी से 3,000 लाइक तो पूरा करवा ही दोगे। तो भाई जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो भाई फटाफट से जाकर लाइक का बटन दबा देना, और मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि इन दोनों टीमों में से आपकी टीम फेवरेट कौन सी है, और आप क्या चाहते हो कि इन दोनों टीमों में से ये मुकाबला कौन सी टीम जीते, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इन सभी खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन की। ऊपरी पर देखोगे तो यहां पर आपको केएल राहुल देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद निकोलस पुरन देखने को मिल जाएंगे, क्विंटन डिकॉक देखने को मिल जाएंगे, एमएस धोनी देखने को मिल जाएंगे, और राव देखने को मिल जाएंगे। ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको विकेट कीपर वाले सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। अभी इन सारे खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और बेस्ट खिलाड़ी कौन सा होगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो बात करते हैं यहां पे केएल राहुल की। इस आईपीएल के 7 मुकाबले केएल राहुल ने खेले हैं, जिनमें से केवल एक मुकाबला ऐसा गया था जिसके अंदर केएल राहुल फ्लॉप गए थे। बाकी भाई 6 मुकाबलों से लगातार काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए केएल राहुल आ रहे हैं, और पिछले मुकाबले के अंदर आपने देखा है कि भाई चेन्नई के सामने काफी जबरदस्त इन्होंने रन भी बनाए थे और काफी लंबी पारी भी खेली थी। लेकिन अब की बार भाई ये लंबी पारी नहीं खेलने वाले हैं। तो अगर आपके मन में ये है कि भाई हम इनको इस बार भी सीवीसी बना के चले तो ये चीज तो आप दिमाग से निकाल ही देना, क्योंकि अब की बार सीवीसी के लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे केएल राहुल का बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस वाले मुकाबले के अंदर केएल राहुल पारी तो खेलेंगे लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे, 40-45 रन बना के ये आउट होने वाला है। तो ये चीज नोटिस जरूर कर लेना। अगर आप एज ए खिलाड़ी लेना चाहते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीमों के अंदर तो आप लेके चल लेना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप बिल्कुल इनको ड्रॉप आउट कर लो, ड्रॉप आउट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन सीवीसी के लिए बेस्ट खिलाड़ी नहीं होंगे तो ये चीज भी आप समझ जाना। बाकी यहाँ पे बात करते हैं निकोलस पुरन की। 7 मुकाबले इस आईपीएल के अंदर निकोलस पुरन ने भी खेले हैं, इनका भी एक मुकाबला ऐसा गया था जिसके अंदर ये फ्लॉप गए थे, वो भी दिल्ली कैपिटल्स के सामने। बाकी 6 मुकाबलों से ये भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, और पिछले मुकाबले के अंदर आपको पता है कि भाई चेन्नई के सामने ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे क्योंकि ऑलरेडी केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक टिक गए थे। तो यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आए थे, यानी कि भाई ये जो बैटिंग करने आए हैं वो काफी ज्यादा लास्ट में आए थे, और काफी हद तक तो रन यहाँ पे ये 2 खिलाड़ी ही बना दिए थे। तो इसीलिए भाई यहाँ पे निकोलस पुरन फ्लॉप गए थे। लेकिन अब की बार होने क्या वाला है कि भाई केएल राहुल ज्यादा लंबी पारी नहीं खेलेंगे, 40-45 रन बना के आउट होंगे, तो यहाँ पे निकोलस पुरन की बैटिंग जल्दी आएगी। तो यहाँ पे जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस करता हुआ यहाँ पे दिखेगा वो यहाँ पे निकोलस पुरन दिखने वाला है। तो चाहे आप ग्रैंड लीग की टीमें बनाओ चाहे आप स्मॉल लीग की टीमें बनाओ, अब की बार निकोलस पुरन काफी ज्यादा बेस्ट खिलाड़ी होने वाला है और काफी जबरदस्त लंबी पारी खेलने वाला है। तो आप इनको लेना बिल्कुल भी अब मत भूलना, ये मत सोचना कि यार पिछले मुकाबले के अंदर चेन्नई के सामने इन्होंने ज्यादा लंबी पारी नहीं खेली है तो हम इनको क्यों लेके चले। लेकिन अब की बार भाई इंपोर्टेंट खिलाड़ी यहाँ पे निकोलस पुरन होने वाला है। बाकी क्विंटन डिकॉक की बात की जाए तो भाई पिछले मुकाबले के अंदर चेन्नई के सामने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने भी की है और काफी जबरदस्त रन भी बनाए थे। लेकिन अब की बार भाई क्विंटन डिकॉक फ्लॉप जाने वाला है। तो चाहे आप ग्रैंड लीग की टीमें बनाओ चाहे आप स्मॉल लीग की टीमें बनाओ, हर टीम से क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप आउट करके चल लेना, क्योंकि भाई पिछला मुकाबला वैसे भी लखनऊ जीती थी। तो चेन्नई भी वापसी करने की पूरी कोशिश करने वाली है और यहाँ पे क्विंटन डिकॉक का विकेट पावर प्ले के अंदर ही निकलने वाला है। तो इसीलिए भाई क्विंटन डिकॉक ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ी नहीं होने वाला है, अब की बार इनका विकेट जल्दी निकलने वाला है। तो चाहे आप ग्रैंड लीग की टीमें बनाओ चाहे आप स्मॉल लीग की टीमें बनाओ, हर टीम से यहाँ पे क्विंटन डिकॉक
को ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी एमएस धोनी की बात की जाए तो भाई पिछले मुकाबले के अंदर दे तोरों के अंदर बैटिंग करने आए थे, केवल 9-10 गेंदे खेली है और उनमें से भी 28 रन बना दिए है। लेकिन गाइज अब की बार एमएस धोनी को भी अगर आप ड्रॉप आउट करना चाहो तो भाई कर सकते हो, क्योंकि भाई अब की बार चेन्नई के जो टॉप ऑर्डर है वो काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको करते हुए नजर आने वाला है। तो यहाँ पे वैसे भी एमएस धोनी की बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आएगी और जब तक इनकी बैटिंग आएगी अब की बार तब तक ओवर भी खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए भाई अब की बार एमएस धोनी का ऑप्शन आपके लिए बेस्ट नहीं होने वाला है। तो आप चाहे ग्रैंडली की टीम में बनाओ चाहे आप स्मॉली की टीम में बनाओ, हर टीम से यहाँ पे आप एमएस धोनी को ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी राव तो वैसे भी लाइनअप में नहीं आने वाले हैं तो आप इनको छोड़ के चल लेना। बाकी विकेट कीपर वाले सेक्शन में अब की बार जो इंपोर्टेंट खिलाड़ी होगा वो केवल ये दो खिलाड़ी होने वाले हैं जिनको आप अपनी ग्रैंडली की टीमों के अंदर लेके चल सकते हो। बाकी नीचे के जो भी ये तीन खिलाड़ी है आप इनको छोड़ के चल लेना, ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ी नहीं होंगे, ये जल्दी फ्लॉप भी जाने वाला है। बाकी क्या जो खिलाड़ी मैंने ऊपर से ये दो बताए हैं इनमें से हमको किसी खिलाड़ी को सीवीसी क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि बैटिंग वाले सेक्शन में अब की बार कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। ऊपरी पर देखोगे तो यहाँ पर आपको ऋतुराज गायकवाड़ देखने को मिल जाएंगे, शिवम दुबे देखने को मिल जाएंगे, रचिन रविंद्रा देखने को मिल जाएंगे, डैरिल मिचेल देखने को मिल जाएंगे, अजिंक्य रहाणे देखने को मिल जाएंगे, काइल मैट्स देखने को मिल जाएंगे, दीपक हुड्डा देखने को मिल जाएंगे, आयुष बदोनी देखने को मिल जाएंगे, पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, टर्नर देखने को मिल जाएंगे, राजवी देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे राशिद देखने को मिल जाएंगे। ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको बैटिंग से देखने को मिल जाते हैं। अभी इन सारे खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाएगा और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की। इस आईपीएल के 7 मुकाबले ऋतुराज गायकवाड़ ने खेले हैं जिनमें से 3 मुकाबले इनके ऐसे गए थे जिसके अंदर भी ये फ्लॉप गए थे, ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। और पिछले मुकाबले के अंदर भी आपने देखा है कि भाई लखनऊ के सामने ये ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे और जल्दी फ्लॉप भी हो गए थे। लेकिन अब की बार भाई ऋतुराज गायकवाड़ टिकने वाले हैं तो आप अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर ऋतुराज गायकवाड़ को जरूर से लेके चलना, ये आपको काफी जबरदस्त रन बना के इस वाले मुकाबले के अंदर देने वाला है। क्योंकि पिछला मुकाबला वैसे भी भाई चेन्नई आ रही थी तो भाई वापसी करने की पूरी कोशिश ये भी करने वाली है। तो यहाँ पे चेन्नई की तरफ से आपको बॉलिंग भी काफी जबरदस्त देखने को मिलेगी और बैटिंग भी काफी जबरदस्त देखने को मिलेगी। तो इसीलिए भाई यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ का ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो आप अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर भाई ऋतुराज गायकवाड़ को भी जरूर से लेके चलना। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको शिवम दुबे देखने को मिल जाएंगे। 7 मुकाबले इस आईपीएल के अंदर इन्होंने भी खेले हैं, केवल 2 मुकाबले इनके ऐसे गए थे जिसके अंदर ये फ्लॉप गए थे और 1 मुकाबला तो पिछला ही था जो कि भाई लखनऊ के सामने खेला गया था और उस टाइम ये आते ही आउट भी हो गए थे। लेकिन भाई अब की बार शिवम दुबे आपको काफी अच्छे रन बनाते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये मैं सोचना कि यार पिछले मुकाबले के अंदर ये दोनों ही खिलाड़ी फ्लॉप गए थे, इन्होंने ज्यादा कुछ खास रन नहीं बनाए थे, तो भाई हम इनको इस वाले मुकाबले से भी ड्रॉप आउट कर दें, ऐसा आपको नहीं करना है। ये दोनों ही खिलाड़ी अब की बार काफी जबरदस्त पारी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो चाहे आप स्मॉल लीग की टीम बनो चाहे आप ग्रैंड लीग की टीम बनो, हर टीम के अंदर यहाँ पे ये 2 खिलाड़ी का होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आप इन दोनों खिलाड़ियों को तो बिल्कुल भी मत भूलना, आप अपनी हर टीम के अंदर इनको जरूर से लेके चलना। बाकी नीचे आपको रचिन रविंद्रा देखने को मिल जाएंगे। 7 मुकाबले हुए हैं जिनमें से केवल 2 मुकाबले ऐसे गए थे शुरू के जिसके अंदर ये चले थे और अच्छे रन भी बनाए थे। बाकी लगातार 5 मुकाबलों से भाई रचिन रविंद्रा भी फ्लॉप होते आ रहे हैं और फॉर्म जो है वो अभी कुछ मैचों से सही नहीं चल रही है। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो भाई इस वाले मुकाबले से भी यहाँ पर रचिन रविंद्रा को ड्रॉप आउट करके चल सकते हो, क्योंकि इस वाले मुकाबले के अंदर भी रचिन रविंद्रा का विकेट जल्दी ही निकलने वाला है। बाकी गाइस एक चीज नोटिस जरूर कर लेना, अगर डैरिल मिचेल लाइनअप में आ जाते हैं और खेलते हैं अब की बार, क्योंकि भाई पिछले मुकाबले के अंदर ये लाइनअप में नहीं आए थे, लेकिन अगर इस वाले मुकाबले के अंदर ये लाइनअप में आ जाते हैं तो बेस्ट खिलाड़ी यहाँ पर आपके लिए डैरिल मिचेल भी होने वाला है। तो ये चीज भी नोटिस जरूर कर लेना। बाकी अजिंक्य रहाणे ने पिछले मुकाबले के अंदर काफी अच्छे रन भी बनाए थे लखनऊ के सामने, लेकिन अब की बार ये फ्लॉप जाने वाला है। और ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे ये दोनों खिलाड़ी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस करेंगे, इसीलिए भाई अगर अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप आउट करना चाहो तो भी इस वाले मुकाबले से कर सकते हो, क्योंकि ये भी फ्लॉप जाने वाला है। बाकी काइल मैट्स को आप ड्रॉप आउट कर लेना, दीपक हुड्डा को भी ड्रॉप आउट कर लेना, क्योंकि इनकी भी फॉर्म ज्यादा कुछ खास नहीं चल रही है। बाकी अब की बार एक लो परसेंटेज खिलाड़ी आपके लिए बेस्ट होगा और वो है यहाँ पे आयुष बदोनी। अब वो भी क्यों वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो गाइस क्वेंटन डिको के इस वाले मुकाबले के अंदर फ्लॉप जाने वाला है, केएल राहुल ज्यादा लंबी पारी नहीं खेलेंगे और दीपक हुड्डा की भी फॉर्म ज्यादा खास नहीं चल रही है, तो ये भी फ्लॉप जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए मेन बचते हैं ये 2 खिलाड़ी जिनमें से पहला खिलाड़ी निकोलस पुरन, दूसरा खिलाड़ी मार्कस स्टोनिस। ये 2 खिलाड़ी बेस्ट है और ये 2 खिलाड़ी अच्छे रन बना के अगर आउट भी होते हैं तो भी भाई आयुष बदोनी की बैटिंग जल्दी आ जाएगी। तो इसीलिए भाई यहाँ पे आयुष बदोनी आपको ज्यादा नहीं तो 35-40 रन बना के दे सकते हैं। तो इसीलिए भाई यहाँ पर अगर आप एक लो परसेंटेज खिलाड़ी को लेकर चलना चाहो अब की बार, तो यहाँ पर आपके लिए आयुष बदोनी का ऑप्शन बेस्ट होने वाला है। तो आप लखनऊ की तरफ से खिलाड़ी लेना ही चाहते हो तो भाई एक लो परसेंटेज खिलाड़ी आयुष बदोनी को लेकर चल सकते हो, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है। बाकी पार्टिकल्स 2 मुकाबलों से लाइनअप में नहीं आ रहे हैं तो आप इनको छोड़ के चल सकते हो, टर्नर को भी आप छोड़ के चल सकते हो, ये भी लाइनअप में नहीं आ रहे हैं, राजवी को भी आप छोड़ के चल सकते हो, ये भी लाइनअप में भी आएंगे तो भी ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ी नहीं होंगे, जल्दी फ्लॉप भी होंगे। इसके बाद यहाँ पर राशिद को भी आप छोड़ के चल सकते हो। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में ऐसा कौन सा खिलाड़ी होगा जो कि भाई सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करेगा और ऐसा कौन सा खिलाड़ी
होगा जो कि फ्लॉप जाने वाला है, वो मैंने आपको सारा कुछ डिटेल से बताई दिया है। बाकी क्या जो खिलाड़ी मैंने बताए हैं बेटिंग वाले सेक्शन में, इनमें से किसी खिलाड़ी को हमको सीवीसी क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में ऐसा कौन सा खिलाड़ी होगा जो कि फ्लॉप जाने वाला है और कौन सा खिलाड़ी ऐसा होगा जो कि भाई सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन उससे पहले चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं 50,000 रुपए का कैश प्राइज। 23 अप्रैल को टाटा IPL का मैच है चेन्नई और लखनऊ के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें My11Circle ऐप अभी और टीम बनाओ, डिपॉजिट करो 100 रुपीज और अनलॉक करो स्पेशल गिव अवे कॉन्टेस्ट जिसमें आपको मिलेगा पूरे 50,000 रुपए का कैश प्राइज। ये कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस होगी सिर्फ 1 रुपए और इसमें आप 5 रुपए में 5 टीम बना सकते हो। और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ मेरे ही सब्सक्राइबर के लिए है और मेरे ही लिंक से एक्टिवेट होगा। इसको अनलॉक करने के लिए आपको डिपॉजिट करना है मिनिमम 100 रुपीज, तो जल्दी करो इससे पहले कॉन्टेस्ट भर ना जाए। इस टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो जहाँ पे फर्स्ट प्राइज ही मिनिमम 1 करोड़ है। तो भाई आगे आप सोच ही सकते हो कि भाई कितने बड़े प्राइज होंगे। और इतना ही नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो और मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो आपको यहाँ पे 20% का एक्स्ट्रा रियल कैश भी मिलेगा, वो भी अपने फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर। यानी कि आपका फर्स्ट डिपॉजिट अगर 1,000 का है तो यहाँ पे आपको 1,200 मिलेंगे और साथ ही मिलेगा 1,500 रुपए का बोनस भी। तो मैंने तो अपनी टीम बना ली है चेन्नई और लखनऊ के मैच की My11Circle ऐप के ऊपर, आप भी जाकर जरूर से बनाना। My11Circle ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अब हम यहाँ पे जानते हैं कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। ऊपरी पर देखोगे तो यहाँ पे आपको रविंद्र जडेजा देखने को मिल जाएंगे, मार्कस स्टोनिस देखने को मिल जाएंगे, कुणाल पांड्या देखने को मिल जाएंगे, मोइन अली देखने को मिल जाएंगे, मिचेल सेंटनर देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद गौतम देखने को मिल जाएंगे, मंकड़ देखने को मिल जाएंगे, कुलकर्णी देखने को मिल जाएंगे। और ये नीचे के खिलाड़ी नहीं खेलने वाले तो हम इनको छोड़ के ही चलेंगे। अब ये सारे के सारे खिलाड़ी ऑलराउंडर से देखने को मिल जाते हैं। अब इन सारे खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं रविंद्र जडेजा की। इस IPL के 7 मुकाबले रविंद्र जडेजा ने खेले हैं जिनमें से केवल 2 मुकाबले के अंदर ये फ्लॉप गए थे, बाकी जितने भी मुकाबले गए हैं जिसके अंदर ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी की है। ऑलराउंडर खिलाड़ी है, पिछले मुकाबले के अंदर भी आपने देखा ही है कि भाई हाफ सेंचुरी इन्होंने बना दी थी और साथ ही साथ बॉलिंग भी की थी और बॉलिंग से वहां पे मैं मानता हूं कि ज्यादा विकेट नहीं निकाल पाए थे, लेकिन भाई बॉलिंग इनकी जरूर आती है और बैटिंग भी इनकी तीसरे नंबर पर आई थी पिछले मुकाबले के अंदर। तो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बॉलिंग बैटिंग इस वाले मुकाबले के अंदर भी काफी जबरदस्त करने वाला है। तो अब की बार यहाँ पे ट्रंप खिलाड़ी यहाँ पे रविंद्र जडेजा होने वाला है क्योंकि सामने वाली टीम लखनऊ की यहाँ पे विकेटें भी काफी ज्यादा निकलने वाली है। तो इसीलिए आप यहाँ पे रविंद्र जडेजा को बिल्कुल भी ड्रॉप आउट मत करना, आप अपनी हर टीम के अंदर रविंद्र जडेजा को जरूर से लेके चलना। बाकी नीचे आपको मार्कस स्टोनिस देखने को मिल जाएंगे, मार्कस स्टोनिस भी काफी ज्यादा बेस्ट खिलाड़ी है और साथ ही साथ ऑलराउंडर खिलाड़ी है और तेज गेंदबाज भी है और तेज गेंदबाज को ये वाला पिच भी काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा और इनकी बैटिंग 4th नंबर पर आने वाली है। तो यहाँ पे ये बैटिंग करके भी आपको काफी 6 रन बना के देने वाला है क्योंकि यहाँ पे क्विंटन डी कॉक जल्दी फ्लॉप होने वाला है और KL राहुल भी ज्यादा लंबी पारी नहीं खेलेंगे। तो इसीलिए भाई यहाँ पे आपको मार्कस स्टोनिस काफी अच्छी पारी खेलते हुए नजर आएंगे, बॉलिंग भी आ जाएगी तो भाई बॉलिंग भी काफी जबरदस्त करेंगे। तो इसीलिए भाई अब की बार यहाँ पे मार्कस स्टोनिस को जरूर से लेके चलना अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर क्योंकि ये खिलाड़ी अब की बार भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी कुणाल पांड्या पिछले मुकाबले के अंदर विकेटें काफी अच्छी चटकाई थी लेकिन अब की बार यहाँ पे कुणाल पांड्या भी फ्लॉप जाने वाला है, इनको भी आप छोड़ के चल सकते हो। बाकी यहाँ पे चेन्नई की तरफ से यहाँ पे मोइन अली देखने को मिल जाएंगे, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाला है क्योंकि इस IPL के 7 मुकाबले चेन्नई ने खेल लिए हैं लेकिन भाई मोइन अली ओनली 2 मुकाबले ही खेले थे, बाकी जितने भी मुकाबले हुए हैं उसके अंदर ये लाइनअप में नहीं आए थे और जो 2 मुकाबले खेले हैं उन दोनों मुकाबलों के अंदर इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिला था। तो इस वाले मुकाबले के अंदर भी यहाँ पे मोइन अली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाला है, तो आप इनको जरूर से लेके चला। बाकी ऑलराउंडर के ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि भाई लाइनअप में नहीं आने वाले हैं। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाएगा और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा वो मैंने आपको डिटेल से बताई दिया है। बाकी क्या जो खिलाड़ी मैंने आपको बताया है इनमें से किसी खिलाड़ी को हमको सीवीसी क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि बॉलिंग वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। ऊपरी पर देखोगे तो यहाँ पे आपको पथी राणा देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद रवि बिश्नोई देखने को मिल जाएंगे, नवीन उलक देखने को मिल जाएंगे, मिस्तफिजुर रहमान देखने को मिल जाएंगे, दीपक चहर देखने को मिल जाएंगे, यश ठाकुर देखने को मिल जाएंगे, तीक्ष्णा देखने को मिल जाएंगे, समर जोसेफ देखने को मिल जाएंगे, मयंक यादव देखने को मिल जाएंगे, मेट हेनरी देखने को मिल जाएंगे, तुषार देशपांडे देखने को मिल जाएंगे, सरदुल ठाकुर देखने को मिल जाएंगे, मोहसिन खान देखने को मिल जाएंगे। बाकी नीचे के खिलाड़ी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो हम इनको छोड़ के ही चलेंगे। अब बॉलिंग वाले सेक्शन में ऊपर से ये खिलाड़ी देखने को मिल जाते हैं, अब इन सारे खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाएगा और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं पथी राणा की। पिछले मुकाबले के अंदर आपको बताइए कि पथी राणा ने ज्यादा विकेटें नहीं निकाली थी लेकिन इस वाले मुकाबले के अंदर पथी राणा आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट खिलाड़ी होने वाला है क्योंकि भाई तेज गेंदबाज भी है और तेज गेंदबाज को ये वाला पिच भी सपोर्ट करेगा और अब की बार भाई सामने वाली टीम लखनऊ के विकेटें भी काफी ज्यादा निकलने वाली है। इसीलिए यहाँ पे पथी राणा का ऑप्शन आपके लिए बेस्ट
टेस्ट होने वाला है, तो भाई आप अपनी हर टीम के अंदर पृथ्वी राणा को जरूर से लेके चलना। बाकी रवि बिश्नोई पिछले दो मुकाबलों से ज्यादा कुछ खास विकेटें नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसीलिए इस वाले मुकाबले से भी हम इनको ड्रॉप आउट करके ही चलने वाले हैं। बाकी नवीन उल्लक की बात की जाए तो भाई लगातार दो मुकाबलों से ये लाइनअप में नहीं आ रहे हैं, तो भाई हम इनको भी छोड़ के चलने वाले हैं। बाकी चेन्नई की तरफ से यहाँ पे मिस्टर फिजुर रहमान देखने को मिल जाएंगे, इनको आप लेके चल सकते हो, बेस्ट खिलाड़ी है, पावर प्ले के अंदर भी आपको बॉलिंग करता हुआ नजर आने वाला है, तो भाई इनको आप जरूर से लेके चलना। दीपक चहर को आप यहाँ पे छोड़ के चल लेना, यश ठाकुर को भी अगर आप चाहो तो छोड़ के चल सकते हो। बाकी नीचे आपको दो खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे, लो परसेंटेज होंगे वो भी, इनमें से पहला खिलाड़ी तुषार देशपांडे, पिछले मुकाबले के अंदर ज्यादा विकेटें नहीं निकाल पाए थे, लेकिन अब की बार भाई आप अपनी ग्रीन लीग की टीम के अंदर तुषार देशपांडे को लेकर चल सकते हो, काफी बेहतरीन खिलाड़ी है। पिछले मुकाबले के अंदर भी आपको बताइए कि भाई बॉलिंग के ये पूरे पूरे ओवर भी डाले थे लेकिन विकेट उस टाइम नहीं निकल पाया था, लेकिन अब की बार भाई विकेटें ये काफी अच्छी निकालने वाले हैं, तो इसीलिए भाई तुषार देशपांडे अब की बार इंपोर्टेंट खिलाड़ी आपके लिए होने वाला है। और दूसरा जो लो परसेंटेज खिलाड़ी है वो आपके लिए बेस्ट मोहसिन खान होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने भी इस आईपीएल के 3-4 मुकाबले ही खेले हैं, उनमें भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने की है, तो इसीलिए भाई इंपोर्टेंट खिलाड़ी यहाँ पे मोहसिन खान होंगे, तो इसीलिए इनको आप लेके चल सकते हो। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में नीचे के खिलाड़ी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होंगे, तो आप इनको छोड़ के चल लेना, काफी सारे खिलाड़ी ऐसे भी होंगे जो कि लाइनअप में नहीं आएंगे। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी बेस्ट होगा, कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाएगा, डिटेल से मैंने बता ही दिया है, और लगभग सारे सेक्शन से बता दिया है कि कौन से सेक्शन से कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपोर्टेंट होगा। बाकी अब मैं आपको ग्रैंड लीग की रिक्शी टीम बना के बता देता हूँ, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। विकेट कीपर वाले सेक्शन में केवल एक खिलाड़ी को लिया है, 4 खिलाड़ी मैंने बैटिंग वाले सेक्शन में लिया है, ऑलराउंडर से 3 खिलाड़ी को लिया है और 3 खिलाड़ी बॉलिंग वाले सेक्शन में लिया है। तो कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन आप भी बना के चल सकते हो, जो कि भाई आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी इस वाले कॉम्बिनेशन में सीवीसी की बात की जाए तो भाई कैप्टन में यहाँ पर रविंद्र जडेजा को बनाने वाला हूँ, और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो भाई शिवम दुबे को बनाने वाला हूँ। ये दो खिलाड़ी भी अब की बार काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए आपको नजर आने वाले हैं, तो आप इनको सीवीसी बना के चल सकते हो इस वाले मुकाबले के अंदर। बाकी कोई अपडेट भी होता है इस कॉम्बिनेशन के अंदर लाइनअप आने के बाद, वो सारा का सारा अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और फाइनल जो टीम रहेगी वो भी टेलीग्राम पे ही मिलेगी। तो भाई अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो भाई फटाफट से जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बाकी ये वाली वीडियो और ये वाली इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, और अगर आपने माई इलेवन सर्कल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो भाई फटाफट से जाके डाउनलोड कर लेना, क्योंकि 50,000 रुपए का कैश प्राइज गिव अवे भी आपको मिल रहा है, और अगर आप फर्स्ट डिपोजिट करोगे तो भाई 20% का एक्स्ट्रा रियल कैश भी मिल रहा है, और 1 करोड़ जीतने का भी मौका है, एसयूवी कार जीतने का भी मौका है, और साथ ही मिलेगा 1500 रुपए का कैश बोनस भी। तो इसीलिए भाई ऑफर काफी जबरदस्त चल रहे हैं, अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है माई इलेवन सर्कल ऐप तो फटाफट से जाके डाउनलोड कर लेना। बाकी ये वाली वीडियो और ये वाली इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और लाइक का जो टारगेट मैंने दिया था वो जरूर पूरा करना। बाकी इस वाली वीडियो को हम यही पेंट करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।